हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके बास्केट। जीके बास्केट में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नोबेल प्राइज व्हिच इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द अपकमिंग एग्जाम लाइक अ सीबीएस, एनडीए एंड मेनी मोर एग्जाम। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं नोबेल प्राइज आपको 2018 के बारे में बताऊंगा। और हमेशा एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं प्राइज और अवार्ड से, तो नोबेल प्राइज क्रूशियल है आप लोग के लिए, तो बहुत अच्छे समझिएगा। नोबेल प्राइज किसको मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, ये सब जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले बता दूं नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, नोबेल प्राइज देता कौन है, नोबेल प्राइज किस कैटेगरी में दिया जाता है, हम लोग ब्रीफली इस पर समझ लेते हैं, ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले ये देखो, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं जो कि है स्वीडन के नागरिक जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल एक केमिस्ट थे, कौन थे, केमिस्ट। इनके कोमेमोरेशन में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं भाई, हु वाज अल्फ्रेड नोबेल, ऐसा क्वेश्चन हालांकि आने वाला नहीं है, लेकिन ब्रीफ ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो अल्फ्रेड नोबेल एक केमिस्ट थे एंड एक साइंटिस्ट थे, ध्यान रखना कहां के, स्वीडन के। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई नोबेल प्राइज इज गिवन, नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, तो अच्छा क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज इसलिए दिया जाता है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल का ये लास्ट विल था, क्या, कि जो भी पर्सन अक्रॉस द वर्ल्ड कोई इन्वेंशन करता है, कोई आविष्कार करता है मानव कल्याण के लिए, तो उसको सम्मानित किया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इनका लास्ट विल था और इनके पास जो भी इनकी संपत्ति थी, जो भी जितनी भी संपत्ति होगी, ठीक है, ये सब याद नहीं करना है, तो ये सब संपत्ति उन्होंने बोला कि हम एक चैरिटी को देते हैं, और ये चैरिटी क्या करेगी, या एक ट्रस्ट को देते हैं, ये ट्रस्ट क्या करेगी, ये ट्रस्ट उन सभी व्यक्तियों को जो कि भविष्य में कुछ इन्वेंशन करते हैं मानव कल्याण के लिए, वो ठीक है और क्रूशियल हो, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सम्मानित करेंगे। देखते हैं नोबेल प्राइज गिवन बाय हुम, नोबेल प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो ध्यान रखना कि नोबेल प्राइज दो देशों की संस्थाएं हैं, एक क्या है हमारा स्वीडन और एक क्या है नॉर्वे। तो नॉर्वे के द्वारा ओनली पीस का नोबेल प्राइज दिया जाता है, जबकि सारे नोबेल प्राइज जितने भी कैटेगरीज हैं पीस को छोड़ के, पीस बोले तो शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है, वो देती है नॉर्वे के एजेंसीज, जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो देते हैं, और बाकी के स्वीडन। तो किस किस कैटेगरी में दिया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना होगा, इन विच ईयर नोबेल प्राइज वॉज गिविन फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम किसको दिया गया, तो ध्यान रखना आपको फर्स्ट टाइम कब दिया गया, तो 1901 यानी 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया, याद रखना प्लीज। एंड आता है फिर इन हाउ मेनी कैटेगरी नोबेल प्राइज गिविन, नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरी में दिया जाता है, ये भी जानना जरूरी है। तो ध्यान रखना आपको, जब नोबेल प्राइज देना स्टार्ट किया गया, नोबेल प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, यानी इन फाइव कैटेगरीज में दिया जाता था, लेकिन इसमें ध्यान रखना आपको इकोनॉमिक साइंस ये शामिल नहीं था। इकोनॉमिक साइंस जो शामिल हुआ वो 1968 में शामिल हुआ, कब हुआ, 1968, तो याद रखना इसको, ठीक है। यानी अब सिक्स कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता है। हु इज द फर्स्ट नोबेल रेसिपिएंट वीमन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पहली नोबेल रेसिपिएंट कौन थी, यानी पहला नोबेल किस महिला को मिला, तो ध्यान रखना मैरी क्यूरी, कौन, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता था, और इनको फिर अगेन मिला था एक बार और, फिर नोबेल प्राइज मिला इनको, तो दो बार नोबेल प्राइज मिला इसको, और फर्स्ट लेडी, याद रखना ऐसा क्वेश्चन आया, तो मैरी क्यूरी किसमें, फिजिक्स में, किसके लिए, रेडिएशन के लिए दिया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है हु बिकेम फर्स्ट नोबेल रेसिपिएंट फ्रॉम इंडिया, यहां पे लिख लेना, क्या, हु बिकेम फर्स्ट नोबेल रेसिपिएंट फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया की ओर से पहले नोबेल रेसिपिएंट जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, यानी 1913 में मिला था, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर को, जो कि लिटरेचर के लिए दिया गया था, जिसके लिए लिटरेचर यानी साहित्य के लिए दिया गया था 1913 में, और साहित्य का नाम था गीतांजलि, क्या नाम था, गीतांजलि। चलते हैं, आप समझते हैं जो कैटेगरीज हैं नोबेल प्राइज की, उनको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आता है बात किसमें, फिजिक्स में, तो फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको मिला, वो चीज हम समझेंगे।
फिजिक्स में किस कैटेगरी के लिए दिया गया ये भी समझना है हमको, सॉरी फिजिक्स में किसके लिए दिया गया, क्या रिसर्च किया गया, तो ये भी आपको समझना है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग नाम, ये कौन से वो नाम है, तो नाम वो है ऑर्थर अशकिन, जेरार्ड मोरो, डोना स्ट्रिकलैंड, ये नाम है ठीक है। और किस कैटेगरी में दिया, सॉरी किसके लिए दिया गया, तो वो लेजर फिजिक्स के लिए दिया गया। तो आपको कैसे याद करना है, इसको ध्यान रखना है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं ठीक है, ऐसे नाम तो याद रहेंगे नहीं। तो ट्रिक क्या है हमारी, लेजर किल्ड पीपल ऑन लैंड ऑफ अर्थ, लेजर किल्ड यानी लेजर जो किरणें होती हैं वो क्या करती हैं, किल करती है, किल मतलब मारती हैं। तो लेजर क्या हो गया, रिसर्च हो गया, मारती हैं मतलब मारा, ये मारो तो क्या याद हो गया, मारो याद हो गया, किसको मारा, पीपल को मारा, किस पे, लैंड, किस पे मारा, लैंड पे, लैंड से क्या हो गया, स्ट्रिक लैंड हो गया, और अर्थ से क्या हो गया, ऑर्थर हो गया। तो हमें याद रखना है कि लेजर किल्ड यानी लेजर ने मारा, लेजर मतलब किरणों ने मारा, किसको मारा, लोगों को मारा, किस पे, लैंड ऑन अर्थ। आप ऐसे देख सकते हो कि ये क्या हो गया, ऐसे याद करना है, ये लेजर हो गई, तो लेजर के लिए दिया गया, किसको मारा, इसने लैंड पर, जो अर्थ है अर्थ की लैंड पर, तो अर्थ से क्या हो गया, ऑर्थर हो गया, लैंड से क्या हो गया, स्ट्रिक लैंड हो गया, और मारा से क्या हो गया, ठीक है ध्यान रखना, मारा से हो गया मोरो। तो हमें बिल्कुल आसानी से याद हो गया कि लेजर किल मतलब लेजर मार, लेजर किल, किल मतलब मारा, तो मारा से याद रखना है ठीक है, हिंदी में यहाँ पे आपको उच्चारण करना है ठीक है। लेजर किल पीपल ऑन लैंड ऑफ अर्थ, तो याद हो जाएगा हमें ठीक है। तो फिजिक्स में ध्यान रखना, लेजर फिजिक्स के लिए दिया गया, किसको दिया गया, अर्थ से ऑर्थर, मारा से मोरो, एंड लैंड से स्ट्रिक लैंड, बस इतना याद रखना है। ऑप्शन तो हमारे पास होंगे, आसानी से हम लोग आंसर बता सकते हैं। चलते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में किसको मिला, ध्यान रखना ये आपके सामने नाम है, फ्रांसिस एच अर्नॉल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ एंड सर ग्रेगरी पी विंटर। अब किस कैटेगरी, किस रिसर्च के लिए मिला, तो डायरेक्टेड इवोल्यूशन ऑफ एंजाइम्स, डायरेक्टेड इवोल्यूशन ऑफ एंजाइम्स। कैसे याद करना है, इसको समझना है बिल्कुल, इतने नाम कौन याद कर पाएगा यार, नाम याद नहीं कर सकते ना। तो देखते हैं हम लोग कैसे याद करना है भाई, आपको मैं निमोनिक बताता हूं। ये कौन है, ये अर्नॉल्ड है, ये तो सब जानते हैं, बॉडी बिल्डर है ठीक है, अर्नॉल्ड, तो ध्यान रखना अर्नॉल्ड थे, अर्नॉल्ड से एक नाम याद हो गया हमें। क्या हुआ फिर अर्नॉल्ड के साथ में, कि जो अर्नॉल्ड थे, अर्नॉल्ड को एक क्या मिल गया, एक इनको एंजाइम्स मिला, तो किसके लिए दिया गया, एंजाइम्स रिसर्च के लिए दिया गया। चलो भाई इस एंजाइम से क्या हुआ कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो अर्नॉल्ड से, अर्नॉल्ड का शरीर यानी बॉडी कैसी हो गई, एक चीज याद रखना है कि स्मिथ से क्या हो गया, स्मूथ हो गई। देखो आप यहां पे काफी इनका शरीर दिख रहा है अच्छा ठीक ठाक, और अब क्या दिख रहा है, थोड़ा सा स्मूथ दिख रहा है, तो स्मूथ से स्मिथ हो गई, और क्या ये ग्रे कलर हो गया, तो ध्यान रखना क्या कि ग्रे कलर, ग्रे से क्या हो गया, ग्रेगरी हो गया, स्मूथ से क्या हो गया, स्मिथ हो गया, और अर्नॉल्ड इनका नाम था, और इन्होंने क्या ले लिया, इन्होंने एंजाइम्स ले लिया, काम कर बस इतना सा आपको निमन क्या रखना है, ट्रिक याद रखनी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग केमिस्ट्री के बाद, देखते हैं किसमें, केमिस्ट्री के बाद आता है मेडिसिन। तो मेडिसिन में आपको याद रखना है ठीक है, कि मेडिसिन में किसको मिला, जेम्स पी एलिशन और तासुको होंजो, और किसके लिए दिया गया, तो कैंसर थेरेपी के लिए दिया गया। अब यार नाम यार कैसे याद करना है, इसके लिए निमोनिक हमारे पास क्या, अलीशन, एक अली नाम का आदमी है, उसका सन, तो याद क्या हो गया हमें, अलीशन ठीक है, क्या हुआ उसने, अली का जो सन है उसका नाम क्या है, तासु, तो हमें तासु याद हो गया। तो ये दो नाम तो हमें याद हो गया कि अली का जो सन है तासु, गॉट मेडिसिन, किसमें मिला, मेडिसिन मिला, और किसके लिए, कैंसर के लिए। तो अली के सन, अली का जो सन था, लड़का था तासु, उसको मेडिसिन मिली, किसकी मेडिसिन मिली, कैंसर की, कैंसर से कैंसर थेरेपी हो गया, मेडिसिन से मेडिसिन हो गया, अलीशन से अली एलिशन याद हो गया, और तासु से तासु को होंजो, बस काम खत्म, समझे ना। तो आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग, तो ये देख लो ये अली है और अली का सन है, तो ध्यान रखना अलीशन हो गया, इसका नाम क्या है, तासु नाम है, तो तासु को होंजो हो गया, किसके लिए दिया गया, मेडिसिन, किसकी मेडिसिन, कैंसर की मेडिसिन, तो ये भी याद हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने मेडिसिन के लिए भी देखा। अब हम बात करते हैं किसके लिए, पीस के लिए, तो आपको पीस के लिए याद रखना है ठीक है, शांति, पीस बोले तो शांति के लिए, तो शांति के लिए याद रखना आपको कि किसको मिला शांति के लिए, मिला डेनिस मुकवेज एंड नादिया मुराद, बहुत अच्छा ये ध्यान रखना, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो के रहने वाले हैं ठीक है, और इनको भी याद रखना, ये इराक की है। तो अब कैसे याद करना है आपको, ये समझना है कि
एंड द यूज ऑफ सेक्सुअल वायोलेंस, यानी ध्यान रखना है कि आजकल जो भी कंफ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो भी बैटल्स हो रहे हैं, जो भी वॉर हो रहे हैं, उसमें रेप वगैरह या जो भी वीमन होती है उनका रेप कर दिया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उन लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों के वेलफेयर के लिए इन दोनों ने काम किया, नादिया मुराद ने और डेनिस मुकवेज ने, ठीक है। तो अब कैसे याद करना है हमको, देखते हैं हम लोग। तो याद करने का ट्रिक आपके पास है, शांति, शांति याद रखना है। तो शांति से हमें याद हो गया, शांति मुख ना दिया, यानी ध्यान रखो कि शांति कब होती है, शांति तब होती है जब किसी को भगवान मुख ना दे। तो मुख ना दिया, तो मुख ना दिया याद हो जाएगा। तो यहां पर देख लो भाई एक बार, ये अगर कोई बीमन, माफ करना, ये मैं यहाँ पे मेल का भी इमेज डाल सकता था, ठीक है, जो मिला मैंने वो डाल दिया यहाँ पे, तो बिल्कुल माइंड नहीं करना है इस चीज को। मुख ना दिया, तो अगर मुख ना दिया किसी को तो क्या हो जाएगी, शांति हो जाएगी। तो मुख ना दिया, तो मुख ना दिया से क्या, मुखवेज हो गया, और ना दिया से ना दिया मुराद हो गया, और किसके लिए, एंड द यूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, और किस कैटेगरी में, पीस कैटेगरी। अब आता है हमारा नेक्स्ट, आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में किसको मिला, विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर, इन दोनों को मिला, ठीक है। और किसके लिए मिला, टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंपैक्ट पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन से, उनको कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए दिया गया। तो नॉर्डहॉस और रोमर, तो भाई कैसे याद कर लेंगे यार, याद करने में कुछ है ही नहीं। विलियम मर गया, विलियम से क्या हो गया, ये हो गया विलियम, और मर गया से क्या हो गया, मर से हो गया रोमर। तो विलियम क्यों मर गया, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, काम खत्म हो गया क्लाइमेट चेंज। आपको याद रखना है क्या, इकोनॉमिक्स कैटेगरी में दिया गया, कुछ भी नहीं है यार, नाम तो आसानी से याद हो सकते हैं, समझ रहे ना। तो कैसे याद करना, वो मैंने आपको बता दिया। और अभी बचा हमारा लिटरेचर, ध्यान रखना कि 2018 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये मैंने नोबेल प्राइज आपको बताया 2018 के, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, ठीक है। बस थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं आप लोग, व्यू नहीं करते हैं, आप लोग देखते नहीं हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते, तो प्लीज थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा मुझे भी, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको टाइमली बना के दे सकूं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम, एंड बने रहिए जीके वास्क के साथ, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।